आप जो भी चीज खरीदेंगे उस पे आज जीएसटी है, और जीएसटी वो टैक्स है जिससे महंगाई बढ़ती चली जा रही है। महंगाई इतनी बढ़ रही है कि जब आपको दुकान जाना पड़ता है, कुछ खरीदना पड़ता है, तो ये डर लगता है दिल में कि भाई मैं खरीद भी पाऊंगी। कि आपको अगर घर के लिए कोई आ रहा है, घर पे मेहमान आ रहा है, खाना बनाना है, कुछ 8-10 लोग आ रहे हैं, तो मन में आप सोचते होंगे कि ये 2-3 चीजें बनाऊंगी। दुकान जाती हैं तो आधी चीजें आप खरीद नहीं पाती। आप आज देख रहे हैं, पहले टमाटर का कितना दाम बढ़ गया था, अब प्याज का कितना बढ़ गया है। एक जमाने में मोदी जी खुद कहते थे, जब कांग्रेस की सरकार थी, कि देखेंगे सचिन सेंचुरी पहले मारेगा वर्ल्ड कप में या प्याज सेंचुरी मारेगी, कहते थे ना। अब मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि विराट ने तो सेंचुरी मार ली, प्याज की भी सेंचुरी हो गई, सरकार आपकी है, अब क्या बोलते हो? अब तो मुंह बंद हो गया, अब कोई सड़क पे उतर नहीं रहा है गैस के सिलेंडर को लेकर, क्योंकि जो सिलेंडर 400 में मिल रहा था उसे आप 12 से 1400 में दे रहे हैं। और चुनाव आने लगा, चुनाव के 2 महीने पहले चलो उसका दाम घटा दिया, 400 कर दिया। तो अगर 2 महीने पहले कर सकते थे तो इतने सालों से क्यों नहीं किया? तो अगर महंगाई कम करना आपके हाथों में है, तो ये जो 18 सालों से आप सरकार चला रहे हैं जिसमें महंगाई बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, देश का किसान परेशान है, देश का मजदूर परेशान है, देश का दुकानदार परेशान है, आपने कुछ नहीं किया। अब चुनाव आ रहा है तो घोषणाओं पे घोषणा, और मैं देख रही थी कि इस सरकार ने 22,000 घोषणाएं की हैं। जरा बताइए मुझे, 22 इन्होंने पूरी की है? 22 भी नहीं की। तो ये हुई महंगाई और रोजगार की बात, कि जो रोजगार बनाने के माध्यम थे उनको इन्होंने खत्म कर डाला। खेती किसानी भी थी, एक जमाने में लोग खेती से कमा लेते थे, आजकल बेचारा किसान कमा नहीं पा रहा है खेती से, पलायन करके जा रहे हैं उसके बेटे, और जिनके बेटे जवान बनने के लिए तैयारी किए, खूब उन्होंने संघर्ष किया कि हमारी भर्ती हो जाएगी, उनके लिए ये स्कीम ले आए, अग्निवीर की स्कीम, कि 4 साल करो सेना में काम और फिर घर लौटा। तो आपको सोचने की जरूरत है कि ये सरकार आपके लिए कर क्या रही है। अब ये आदिवासियों का क्षेत्र है, आपका क्षेत्र है, मैं आपको बताना चाहती हूं कि कुछ दिनों पहले मैं छत्तीसगढ़ में थी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, और मुझे गर्व होता है इस चीज को कहने में, और सब जगह मैं कहती हूं कि जहां भाजपा की सरकार ने, जहां जहां भाजपा की सरकार है, उन प्रदेशों में जो देश की और प्रदेश की संपत्ति है, मतलब जो आपका पैसा है, वो आपसे छीन के, देश के गरीब से छीन के, देश के किसान से छीन के, देश के मिडिल क्लास से छीन के, बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया गया है। और छत्तीसगढ़ में जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां आपकी संपत्ति वापस आपकी जेब में डाली गई है, क्योंकि जो हमारी नीतियां हैं, जो हमारी नीतियां हैं वो यही करती हैं। वहां के आदिवासी क्षेत्र बस्तर को देखिए, आज बस्तर का नाम दुनिया भर में फैला हुआ है। वहां एक बड़ी प्रोडक्शन कंपनी लगाई मिलेट की, रागी की, उनका जो रागी वहां पे बनता है आज दुनिया भर में बिक रहा है। आपको क्या, जो वन के उपज है उसके लिए आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है कि नहीं, बताइए? नहीं मिलता। छत्तीसगढ़ में 67 वन उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल रहा है। धान के लिए सबसे ज्यादा पूरे देश में 2400 रुपए से ज्यादा मिल रहा है छत्तीसगढ़ में। आपके आदिवासी क्षेत्रों को आगे बढ़ाया गया है। सबसे बड़ा जो आदिवासी संस्कृति का जो मेला लगता है इंटरनेशनल, पूरे दुनिया भर के जो आदिवासी लोग हैं वहां आते हैं, वो छत्तीसगढ़ में आज लगता है। और आपकी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए क्या नहीं किया? यहाँ आवारा पशु की आपके समस्या है कि नहीं है? खेत चरते हैं आवारा पशु। अच्छा, ये जो समस्या है ना,
कि रात को दिन में जो आवारा पशु घूम के आपके खेत को चर जाता था, ये बहुत बड़ी समस्या थी छत्तीसगढ़ में। तो वहां के जो मुख्यमंत्री हैं और जो कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने तय किया कि इस समस्या को हम दूर करना चाहते हैं। तो उन्होंने ऐसे गौठान बनाए जिसमें मेरी बहनें, जब मैं वहां की बहनों से मिलती हूँ, खास तौर से आदिवासी क्षेत्र की, मुझे कहती हैं कि एक एक लाख से छह छह लाख रुपए कमा रही हैं, क्योंकि गौठान बनाए, गोबर खरीदी आवारा पशुओं की, आप अगर आप पशु रखेंगे तो आपसे सरकार ने गोबर खरीदी, आपसे गोबर खरीदी, वहां पे जो स्वयं सेवा समूह है वहां पे, वहां उन्होंने काम कराया गोठानों में, और गोठान में से बहुत चीजें ऐसी बनाई जो काम की हो गई। तो हर तरफ से आपको मजबूत बनाने का प्रयास किया, और इसका नतीजा ये निकला कि जनता खुश है। नतीजा ये है कि छत्तीसगढ़ में से जो पलायन होता था, जो नौजवान सब दूर जाते थे नौकरी रोजगार ढूंढने के लिए, वापस आने लगे हैं। किसानों से मिलते हैं तो खुश लगते हैं, मुख्यमंत्री जी को काका कहते हैं, खुशी से, प्यार से, गुस्से से नहीं, जैसे आप लोग मामा जी कहते हैं। ये आपके मामा जी ने कितने घोटाले किए हैं, यहाँ पे मेरा पूरा लिस्ट है, इतना लंबा है कि मैंने पढ़ना ही छोड़ दिया है। हर जगह घोटाला, पटवारी भर्ती में घोटाला, भर्ती के इम्तिहान में घोटाला, बिजली में घोटाला, वृक्षारोपण में घोटाला, व्यापम का घोटाला तो बात ही मत करिए, आप सब जानते हैं कि क्या हुआ। तो जहां पे आप देखते हैं घोटाला ही घोटाला। हर नौजवान को ये मालूम है कि ये सरकार कमीशनखोरी पे चलती है। कुछ छोटा सा चाहिए आपको, कहीं पे आपको छोटा काम कराना हो, सरकार से कुछ ताल्लुक हो, तो आपको कमीशन देना पड़ता है। तो क्या आप ये चाहते हैं अगले 5 सालों के लिए, या आप चाहते हैं कि आपके प्रदेश में भी ऐसी सरकार आए जो आपके लिए काम करे? देखिए, चुनाव के समय यहां खड़े होकर कोई भी कुछ भी घोषणा कर सकता है। आपको जागरूक बनना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि ये घोषणा जो है ये खोखली है या असली है। अब जैसे कांग्रेस के प्रदेशों में हमने कुछ गारंटी बताई चुनाव के समय, तो आप देखिए ना कि क्या ये गारंटी लागू हुई कि नहीं हुई। जो घोषणा नेता, बड़े बड़े नेता करने आए थे, क्या उन्होंने ये घोषणा पूरी की कि नहीं? तो आपको पता चलेगा कि कांग्रेस के प्रदेशों में, जैसे तमाम प्रदेशों में पुरानी पेंशन स्कीम लागू है जो कांग्रेस के प्रदेश हैं। आपकी सरकार और भाजपा की, जो केंद्र की सरकार, कहती है कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम इतना पेंशन नहीं दे सकते। अच्छा, इतना पेंशन नहीं दे सकते तो अंबानी जी और अडानी जी के आप लोन कैसे माफ कर रहे हो? अगर आप किसानों का कर्ज माफ नहीं कर सकते तो इतने बड़े बड़े उद्योगपतियों के हजारों करोड़ के लोन कैसे माफ कर रहे हो? अगर इस जागरूकता से आप लोग ये सवाल नहीं पूछेंगे, तो फिर जैसे आपने कहा कि बेवकूफ बनाया जाएगा, वैसे और 5 साल बेवकूफ बनो। इस देश के संविधान ने आपको एक बहुत बड़ी शक्ति दी है कि अगर आप जागरूक बन जाओगे तो कोई नेता आपको बेवकूफ नहीं बना सकता। और इस जागरूकता में पड़ा क्या है, अखबार उठाओ, अखबार में अगर सही खबर नहीं है तो आजकल इंटरनेट है, देखो, पढ़ो, जो लोग वहां से आ रहे हैं छत्तीसगढ़ से पूछो कि भाई वाकई तुम्हारे प्रदेश में सबसे ज्यादा रोजगार है, कैसे हुआ कि भाई वाकई तुम्हारे यहाँ गौठान बन रहे हैं जहां पे सबकी तरक्की हो रही है, आपकी कमाई भी हो रही है। पता करो, पूछो, जो पलायन करके गया उससे पूछो, दूसरे प्रदेशों में क्या हालात है, कांग्रेस की सरकारें क्या कर रही हैं। जागरूक बनो, क्योंकि इस जागरूकता से ना आपका भविष्य जुड़ा हुआ है। अगर आप अपने भविष्य को गहराई से नहीं समझेंगे और आज की राजनीति को गहराई से नहीं समझेंगे, तो आगे तरक्की नहीं होगी आपकी। मेरी बहनें बैठी हैं, अब बड़ी घोषणा की भाजपा ने कि आपको हर महीने पैसे दिए जाएंगे, ठीक है, डालने भी शुरू कर लिए उन्होंने। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि ये घोषणा चुनाव से 3 महीने पहले क्यों की? क्या इससे पहले महिलाएं संकट में नहीं थी? क्या इससे पहले महंगाई की समस्या नहीं थी?
क्या इससे पहले आप पूरे समाज का बोझ नहीं उठा रही थी अपने कंधों पर? क्या इससे पहले आप खेती में काम नहीं कर रही थी? आप नौकरियां नहीं कर रही थी? आप अपने बच्चों का परवरिश नहीं कर की परवरिश नहीं कर रही थी कि अब जागे हैं ये? 18 सालों से इनकी सरकार रही है, गैस का दाम, गैस सिलेंडर का दाम अभी कम किया है। 18 सालों से इनकी सरकार चल रही है, इनको अब सूझा है कि हर महीने आपको कुछ देंगे ये पैसे? तो सोचिए, इन्होंने घोषणा की कि महिलाओं के लिए हमने एक बड़ा आरक्षण का बिल पास किया है। वाह वाह वाह, पूरी देश की मीडिया ने इनका खूब इवेंटबाजी की, आपने सारी पब्लिसिटी देख ली, मोदी जी आए, सबने तालियां बजाई, सब महिलाओं ने माले लगाए। और लागू कब होगा? 10 साल बाद बहनों। तो ये कैसी घोषणा है, ये कैसी बिल है जो पास हो गई है लेकिन 10 साल तक लागू नहीं हो सकती? और हम कहते हैं अभी लागू करो, अभी लागू करो, 33% महिलाओं को आरक्षण देना है, अभी दो। तो पीछे हट जाते हैं। इसी तरह से जब हम कहते हैं जातिगत जनगणना करो, हम क्यों कह रहे हैं, क्या मतलब है इस जातिगत जनगणना की? एक गिनती है कि देश में, प्रदेश में कौन सी जाति के कितने लोग हैं। इससे क्या होगा, हमें पता चलेगा कि आदिवासी इतने हैं, कि एससी इतने हैं, दलित इतने हैं, कि ओबीसी के इतने लोग हैं, कि गरीब लोग इतने हैं। तब हमें पता चलेगा कि हम किस तरह से इन लोगों की मदद कर पाए। अगर सरकार को पता ही नहीं होगा, अगर ये जनगणना होगी ही नहीं, तो सरकार मदद कैसे करेगी, सही नीतियां बनेंगी कैसे? तो बिहार में गिनती हो गई, बिहार की प्रदेश की सरकार ने गिनती की, पता चला कि 84% ओबीसी, आदिवासी और दलित है। अब आप सोचो, अगर बिहार में 84% ओबीसी, आदिवासी और दलित हैं, तो लगभग पूरे देश में ही इतना होगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा। लेकिन अगर आप पूरे देश में देखें कि बड़े बड़े पदों पे कौन है, बड़े बड़े उद्योगपति कौन है, जो यूनिवर्सिटीज है इनके वाइस चांसलर कौन है, जो बड़ी बड़ी मीडिया की कंपनियां हैं इनको कौन चलाता है, तो आपको पता चलेगा कि आपका प्रतिनिधित्व इसमें नहीं है। हम कहते हैं जातिगत जनगणना करो, गिनती करो भाई, प्रतिनिधित्व हो सबका, सही तरह से सबका विकास हो। चुप हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, तरह तरह की बातें करने लगते हैं। तो आपको समझना है कि ये लोग सचमुच आपकी भलाई चाहते हैं कि नहीं, आपका विकास चाहते हैं कि नहीं, या फिर सिर्फ अपनी सत्ता में मग्न है और भ्रष्टाचार और सत्ता को रखने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए, अपने बड़े बड़े महलों को बनाने के लिए ही ये सत्ता में रहना चाहते हैं और ये सरकार चलाते हैं। तो देखिए, मेरी समझ में तो इनकी जो सरकारें हैं वो बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए चल रही हैं। आज मिडिल क्लास के लिए कोई सोच नहीं है, नौजवानों के लिए कोई सोच नहीं है, गरीबों और किसानों के लिए तो छोड़ ही दीजिए, आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए छोड़ ही दीजिए। आपने खुद देखा है कि आपका कितना अपमान होता है। वीडियो निकला था, एक शर्मनाक वीडियो, आप सबने देखा होगा। फिर क्या हुआ, चुनाव का समय है तो मुख्यमंत्री जी ने उस लड़के के पैर धोए जिसके साथ इतनी खराब हरकत, गंदी हरकत की गई थी। लेकिन इससे पहले क्या, चुनाव से पहले क्या और चुनाव के बाद क्या, क्या हम सोचेंगे नहीं, क्या हम पूछेंगे नहीं कि ये सरकार की नीयत क्या है? एक छोटी सी बच्ची का बलात्कार होता है उज्जैन में, हर दरवाजे को खटखटाती है, मदद मांगती है, कोई उसकी चीख नहीं सुनता, कोई उसकी मदद नहीं करता। महिलाओं पे मेरी बहनें, इतना अत्याचार है मध्य प्रदेश में, आज हर रोज 17 महिलाओं का बलात्कार होता है आपके प्रदेश में, हर रोज। सुरक्षा ही नहीं है, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं आरक्षण की, लेकिन सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। तो अब आप समझिए कि आपका प्रदेश कहाँ पे है। 18 सालों से आपने देख लिया है, भ्रष्टाचार भुगत लिया है, महंगाई भुगत ली है, बेरोजगारी भुगत ली है। अब आपके सामने एक चुनाव है, आप चुनिए, आपको 5 साल और इन्हें मौका देना है
कि आपका अत्याचार बढ़े, आप पे अत्याचार बढ़े, बेरोजगारी बढ़े, महंगाई बढ़े और आप आगे ना बढ़ पाए। इनके महल बनते जाएं बड़े बड़े, ये भ्रष्टाचार करते रहें, कहीं 200 करोड़, कहीं 500 करोड़, कहीं आपने अब कल वीडियो एक जारी हुआ है एक केंद्र के कृषि मंत्री के बेटे का, आपने देखा होगा हजारों करोड़ 100 करोड़ की बातें हो रही हैं। वहां अडानी जी 1600 करोड़ रुपए कमा रहे हैं एक दिन में, सुनिए एक दिन में, और देश का किसान 27 रुपए कमा रहा है। देश का किसान 27 रुपए एक दिन कमाता है और अडानी जी सरकार की मदद से 1600 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। मोदी जी लाखों के सूट पहनते हैं, 8000 करोड़ रुपए के हवाई जहाज में घूमते हैं, उनको घूमने के लिए 2 हवाई जहाज उन्होंने खरीदे हैं 8000 करोड़ रुपए का एक, 16000 करोड़ रुपए के 2 हवाई जहाजों में एक इंसान हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी घूमते हैं, 20000 करोड़ का इन्होंने खर्चा किया किस में, संसद को नया बनाने में, उसके सुंदरीकरण में। जो संसद पहले था वो 70 सालों से अच्छा खासा चल रहा था, ठीक है उसकी कुछ मरम्मत करानी थी करा देते, 20000 करोड़ रुपए आप खर्च रहे हैं सुंदरीकरण करने में, बड़ी बड़ी इमारतें बना रहे हैं और आप कहते हैं कि किसानों का बकाया नहीं दे सकते, किसानों का कर्ज माफ नहीं कर सकते। तो ये परिस्थितियां हैं। अब अगर आप सोचते हैं कि हम कांग्रेस पार्टी हैं के हैं, हम तो भाजपा की आलोचना करेंगे ही, चुनाव है हमें तो कहना है, तो ठीक है हमारी बातों पे मत जाइए, लेकिन अपनी जागरूकता तो बढ़ाइए। आप खुद देखिए कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्या आपके जीवन में इन पिछले 5-6 सालों में तरक्की आई है कि नहीं, इस सवाल का जवाब दे दो मुझे, आई है कि नहीं, सुनाई नहीं दे रहा मुझे, और जोर से